हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और वीडियो 11 बजे आता है, दोपहर में ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं गुड आफ्टरनून ही विश करूँ। वैसे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 4:15 बजे हैं और मेरी यहाँ पर झाड़ू लगाने का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं उठी थी सुबह 4:15 बजे। 4:15 बजे उठने के बाद में थोड़ी देर तक ऐसे ही बिस्तर पर लेटे रहे, फिर मैंने सोचा चलो काम करते हैं। और आज है मेरी दादी सास का श्राद्ध, तो उसके कारण मुझे जल्दी उठना था ताकि मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले सारा काम फिनिश कर पाऊँ। तो यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है, उस टाइम तक बजे हैं 4:15। फ़ोन की स्क्रीन बार बार बंद हो रही है। अभी देखिए 12 सितंबर 4:15 बजे का टाइम है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने पोछा भी लगा दिया। उस टाइम की क्लिप है ये, तो पोछा लगाने के बाद में घर पूरा साफ़ है। मैं अब जाऊँगी नहाने के लिए। उससे पहले एक बार मैं आपको घर दिखा रही थी कि सारा क्लीनिंग का काम जो है ना वो फिनिश हो चुका है और अब बस ये है कि मुझे किचन में जाना है। किचन में जाने से पहले एक बार मैं नहा लेती हूँ, अपने कपड़े ले लेती हूँ। और ये देखिए मैंने ये वाली साड़ी निकाली है पहनने के लिए। और अब फटाफट से नहा करके मैं आपसे मिलती हूँ, पहले शर्मा जी को जगा करके वापस आती हूँ और फिर बात करती हूँ आप लोगों से। तो शर्मा जी को जगा करके आई हूँ मैं। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सुबह के बजे हैं, टाइम देख लेती हूँ, मैंने टाइम नहीं देखा अभी, 5:15। 5:16 हुए हैं और काम मेरा क्लीनिंग का जो था ना वो ख़त्म हुआ है। अभी अब मुझे जाना है किचन में। तो किचन में जाने से पहले एक दो छोटे मोटे काम कर देती हूँ। सांस उठ गया, सुबह सुबह भागते भागते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने खीर रख दिया बनने के लिए और अभी मैं सब्जी कट करूँगी। और सुबह मैं उठ गई थी बहुत जल्दी, 4:15 बजे के लगभग मेरी आँख खुली थी। फिर 5-7 मिनट तो ऐसे ही बिस्तर पे पड़े रहने का मन करता है। फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो चलते हैं, नहीं लेट हो जाएगा सारे काम में। फिर घंटे भर में साफ सफाई का और नहाना, दो काम हुए हैं। अब मेरे को किचन संभालनी है, किचन का काम करना है फटाफट। और आप लोग बताना ये साड़ी कैसी लग रही है। काफ़ी अच्छी साड़ी है ये, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कलर ये लाइट कलर में है ना, इसलिए अच्छी लगती है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में फटाफट, आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए किचन में। तो चलिए फिर फटाफट से चलते हैं किचन में। और मैं नहा कर आते ही जब अपना तैयार हो रही थी ना, मेकअप वगैरह कर रही थी, उससे पहले मैंने दूध गर्म करना रख दिया था खीर के लिए, क्योंकि नहाना तो हो ही चुका था, बस ये था कि अपने आप को तैयार करना था। तो तैयार करने से पहले मैं दूध गर्म रख गई थी कि दूध जो है ना वो जब तक मैं आऊँगी तब तक बॉयल आ जाएगा उसमें। तो दूध गर्म रख दिया और चावल मैं भिगो करके गई थी, 2 लीटर दूध था, 1.5 मुट्ठी चावल की है। और वो चावल जो है ना उनको मैं पीस करके यूज़ करने वाली हूँ। ये वाला तरीका जो है ना आप ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी इसमें खीर बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए चावल जो है ना उनको मैंने पीस लिया है दरदरा सा। और शर्मा जी उठकर आ चुके हैं और अभी शर्मा जी को भी गुड मॉर्निंग। शर्मा जी अभी उठकर आए हैं, जय राम जी की, नमस्कार। और अभी अब इनका नहाने का नंबर है, फटाफट से अपना डेली रूटीन का जो काम है वो करो, फिर नहाओ जल्दी जल्दी। तो जी यहाँ पर मैंने सब्ज़ी के लिए गोभी को ही सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरे बच्चों की फेवरेट हो गई है।
तो यहाँ पर गोभी को मैंने बॉईल कर दिया था नमक वाले पानी में, मतलब नमक डाल के, और वो एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब लगा देते हैं इसमें तड़का। तड़का लगाने के लिए सेम मेथड रहेगा जो कि मैंने परसों रेसिपी शेयर की थी, इसलिए मैंने आज दोबारा से रेसिपी शेयर नहीं की है। और मेरी पता है भागम भाग कोशिश यही है कि जब तक 6 बजे जब तक मेरा सारा यहाँ का जो काम है ना वो फिनिश हो जाए, क्योंकि शर्मा जी उठ गए हैं, वो दूध लाने का काम करेंगे। और ये दूध हमने नाइट में ला करके रख लिया था क्योंकि पता था ना सुबह सुबह चाहिएगा, तो फिर 6 बजे के बाद में वैसे दूध मिलता तो काफ़ी लेट हो जाता। तो शर्मा जी दूध लेकर आएंगे और नहाएंगे, फिर उसके बाद में गाय को रोटी देने का, कौवे को रोटी देते हैं ना इसमें, वो सब काम वो शर्मा जी ही करेंगे, मतलब हम लोग उसको मंडकी देना बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरी गोभी फ्राई हो चुकी है, मैंने उसको निकाल लिया है, आटा छान लिया है, आटा लगाऊंगी और साथ ही साथ में सब्जी भी बनती रहेगी अपनी। और खीर देखिए कितने आराम से धीरे 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 उबलने लग रही है। मुझे खीर जो होती है ना वो इसी तरीके से बनाना पसंद है, मतलब एकदम स्लो फ्लेम पर बने और दूध का मावे के जैसा, मतलब वो हो जाए एकदम मावा ही बन जाए। और यहाँ पर मसाला मेरा पककर तैयार है साथ में। अब मसाला पक गया ना, इस टाइम पर मैं इसमें जब गोभी ऐड करूँगी ना उसके बाद में मैं आटा लगाना शुरू कर दूँगी। तो ये गोभी मैंने उसमें ऐड कर दी थी जितना मेरे को उसमें, नहीं अभी नहीं किया, देखो साइड में रखी है, मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था, याद नहीं रहता ना इस वजह से, वही शोर के टाइम पे। तो यहाँ पर देखिए खीर मेरी बनकर तैयार है, खीर। और जब गोभी ऐड की और पानी ऐड किया उस टाइम शायद मैंने क्लिप नहीं ली, और खीर में मैंने वो डाल दिए हैं मावे डाल दिए हैं, मतलब एक तो बादाम और एक काजू। और खीर ये सब्जी में बॉयल अभी आ रहा है, पूड़ी के लिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और अभी मैं पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दूंगी। सब्जी भी बनकर तैयार है, खीर भी बनकर तैयार है। बीच में मैं केसर ढूंढने गई थी, मुझे केसर नहीं मिला, तो मैंने सोचा शर्मा जी आ करके नहा के आएंगे ना, वो उसके बाद में वो ढूंढेंगे, तब तक के लिए मैंने खीर को ऐसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ पर पूड़ियाँ तल देती हूँ, जैसे बच्चों की टिफ़िन की हैं और मंडकी देने की हैं, और साथ साथ में बच्चों को एक दो कुछ भी खिला कर भेजूँगी ना वो वाली हैं, तो इतनी पूड़ियाँ ही मैं बनाऊँगी और बाकी एक्स्ट्रा जो है ना वो मैं बाद में, जैसे कि वो होता है ना खाने का टाइम होता है उसी टाइम बनाऊंगी गरम गरम। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जिनको नहीं पता है उनको भाई कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, कई लोग कहते हैं कि तुम बड़ा ही सिखाने वाली, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, बाकी तो बाकी सब लोग समझदार ही हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रही थी कि पूड़ी जब फूले नहीं, मतलब जिन लोगों की पूड़ियाँ नहीं फूलती है ना उन लोगों के लिए एक ट्रिक है कि वो पूड़ी डालते ही उसके ऊपर, जिनसे हम निकालते हैं ना झारे से, जैसे इससे मैं निकाल रही हूँ, ये उसके ऊपर रख दें तो पूड़ी है ना पूरी फूल जाएगी, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो फूले ना। तो आटे में भी अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी ना तो भी पूड़ी फूल जाएगी। तो देखिए मैंने ये इसके ऊपर रख दिया ना, सेम इसी तरीके से रख देना है और फिर पूड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड के अंदर फूल कर तैयार हो जाएगी। देखो ये फूल गई है, तो इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई करना जिनकी नहीं फूलती है उनकी। और जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव कॉमेंट मत करना, कोई ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर ज्ञान बांट रही हूँ, ज्ञान बांटने की मुझे आदत नहीं है। तो यहाँ पर पूड़ियाँ अपनी एकदम बढ़िया तैयार हैं और फटाफट फटाफट मैं इनको बना रही हूँ, उसके बाद में फिर जैसे पूजा का काम होगा तो पूजा का काम करें। तो यहाँ पर पूरी सारी बन चुकी थी और फिर मिल गया था केसर, तो केसर की थोड़ी सी चुनिंदा पत्तियाँ डाल देते हैं इसमें, ज़्यादा केसर डालने की औकात नहीं है यार, ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। और एक डिब्बी लेकर आए थे बहुत मुश्किल से शर्मा जी, बहुत मुश्किल से, क्या मतलब है, वो होता है ना कि कई दिन में एक डिब्बी चल जाए, सबकी कोशिश रहती है ये, तो हो गया होगा इसको 1-1.5 महीना तब ये 1 डिब्बी लेकर आए थे। बच्चों को कभी कभी खीर वगैरह बना कर देते हैं ना तो उसमें डाल दें तो अच्छा रहता है ना बच्चों के लिए, तो अब मैंने सोचा चले इसमें भी थोड़ा सा डाल देते हैं, बाकी बचा कर रखते हैं। 6:06 हुए हैं और अपन ने 5:15 बजे कुकिंग शुरू की थी। लो जी। अच्छा जी, ये देखो सब्जी बन गई अपनी, पूड़ियां बन गई अपनी, खीर बन गई अपनी, और मैं मिल रही हूँ 6:06 पे। अब मैं बच्चों को जगा कर लाती हूँ क्योंकि उनको स्कूल के लिए तैयार करना है, और ये करेंगे पूजा का काम, मंडकी देकर आएंगे। पहले यहाँ पर मैं जोत जला लेती हूँ भगवान जी की, ठीक है, जब तक ये मंडकी दे देंगे और मैं बच्चों को जगा लेती हूँ।
और यहाँ पर नैनी और शिवांश को मैंने नहला दिया है, और वॉइस ओवर मैं नाइट में कर रही हूँ ना, तो इस टाइम पर यहाँ पर वो हो जाता है ना, कीर्तन वगैरह चलते रहते हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों के पास। और मुझसे ना एक कॉमेंट किया था आज की, दीदी आप सोते कितने बजे हो, तो शर्मा जी देखो तैयार होकर आए और आप लोगों को नमस्कार करके गए हैं। तो एक कॉमेंट आया था कि दीदी आप सोते कितने बजे हो, तो मैं आपको बताऊँ तो अभी 10:30 बज रहे हैं और मैं इस वीडियो में वॉइस दे रही हूँ, और ये वॉइस ओवर करने के काफ़ी देर बाद, मतलब कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद में मुझे नींद आएगी, और वो नींद भी वही आएगी जैसे अटपटी सी नींद, कभी आँख खुलेगी कभी बंद होएगी। तो अभी जो है ना प्रसाद के लिए जैसे कि मंडकी देनी है ना, वो थाली मैं लगाने जा रही हूँ। हम लोगों के यहाँ पे वो थाली कैसे लगाते हैं मैं अभी आपको बताऊँगी। केसर अभी नहीं मतलब अच्छे से घुला है, थोड़ी देर बाद ये घुल जाएगा। तो अभी मंडकी के लिए मैंने जो तुरई के पत्ते थे उनके ऊपर 2 पुड़ियाँ रख ली हैं, और 3 जगह मंडकी लगती है हमारे यहाँ पर, और इनके ऊपर 1-1 चम्मच मैं ये रख रही हूँ खीर। अभी इसी के ऊपर 1-1 चम्मच दही भी रखा जाएगा, हम लोगों के यहाँ पर ऐसे ही देते हैं, और जिनके जहाँ जो रिवाज होता है, सब लोगों के अलग अलग रिवाज होते हैं, तो जिनके जहाँ जैसे करते हैं बताना। क्योंकि स्थानम प्रधानम न चवलम प्रधानम, तो सबके अपने अलग अलग रिवाज होते हैं, जो अभी बता रहे थे शर्मा जी स्थानम प्रधानम न च बलम प्रधानम, उसके बारे में कंप्लीट जो है ना ये आप लोगों को फिर कभी बताएंगे। तो यहाँ पर सारा काम होने के बाद में, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में, और मैं आ गई हूँ छत पर झाड़ू लगाने। छत के ऊपर सारी लग चुकी है, कल शाम को भी लगी थी, अभी भी लग चुकी है, तो यह मिट्टी में लगा रही हूँ अभी, और उसके बाद में हम इस वीडियो का करेंगे एंड। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा।